फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ आपको ज्वेलरी के बनाना बताऊंगी। मैंने इसमें कैरी बैग वाला जो कपड़ा होता है वो यूज़ में इसमें लिया है, और मैंने इसमें बीच में ये लाइनिंग के लिए ये जो चावल और की जो ये आती है इस प्लास्टिक की, मैंने इसको यूज़ में लिया है। इन दोनों को इस तरीके से ये बीच में रख के इसको अटैच कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये तीन ट्रांसपेरेंट पन्नी ली है, ये जिस पे मैंने पाइपिंग लगा ली है, दो में तो दोनों तरफ लगाई है और ये इसमें एक तरफ लगाई है। पाइपिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके से चाहिए 1.5 इंच की, हमें इसको इसके ऊपर रखना है, फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इससे फोल्ड कर देना है, तो ये यहाँ पाइपिंग लग जाएगी इस तरीके से। और ये तीन चैन लिए मैंने। पहले हमें इसको बनाने के लिए इन तीनों ट्रांसपेरेंट पन्नी पे हम चैन लगा लेंगे, यहाँ तीनों पे। इस पे ये, इस पे और एक ये, इस पे तीनों पे हम इस पे चैन लगा लेंगे। इसकी जहाँ मैंने ये इसका यूज़ किया है, ये चावल के जिसमें चावल पैक हो के आते हैं उसका यूज़ किया है। इसके जगह आप बुकरूम का या फिर फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसमें चैन लगा लेते हैं। ये हमने चैन लगा लिए तीनों में। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई करनी है। इसको हमें यहाँ चारों तरफ से अटैच कर देना है। देखिए, हमने इसको चारों तरफ से पैक कर लिया है इसको। अब हम इसमें ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी ली थी, हमें इसको लगाना है नीचे की साइड, जहाँ पे हमने एक पाइपिंग लगाई थी सबसे नीचे, हमें उसी को लगाना है पहले। फिर इसके ऊपर, इस चैन के ऊपर यूँ रखते हुए तीनों को लगा लेना है। इस तरीके से हमें ये तीनों ट्रांसपेरेंट पन्नी को लगा लेना है। फिर हमें इसको यहाँ से और यहाँ से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से ये स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको पॉकेट को बंद करना है, तो एक यहाँ नीचे स्टिच करना है और यहाँ जो ये ऊपर ओपन है इसको स्टिच करना है। यहाँ नीचे से स्टिच नहीं करना, नीचे से स्टिच करेंगे तो हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो यहाँ से ऊपर से, इसमें भी यहाँ ऊपर से, और यहाँ ये इसको भी ऊपर से बंद करना है। और यहाँ ऊपर बंद करने के बाद हमें इसमें यहाँ भी एक पाइपिंग लगा देनी है। इस तरीके इसको फोल्ड करके इसको हमें यहाँ इस तरीके से ये पाइपिंग लगा देनी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ ये पाइपिंग दोनों साइड आई है, वैसे यहाँ भी यहाँ दोनों साइड आ जाएगी। हमने इसमें यहाँ ऊपर भी सिलाई लगा ली है। ये हमारी पॉकेट बन के तैयार है। के लिए लगा लेना है, हमने निशान सेंटर में लगा लेना है पीछे की तरफ, और हमें ये इसको यहाँ लगाना है। इसको हमें यहाँ से जॉइंट कर लेना है। हमने ये हैंगिंग के लिए इसको जॉइंट कर लिया है। ये इसको हम इस तरीके से आगे आएगा तब हम इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और हमें यहाँ इसके चारों ओर पाइपिंग लगानी है। हमें इसके लिए ये 1.5 इंच की हमने पाइपिंग ली है, और हमें इसको इस तरीके से ये चारों तरफ लगा लेनी है। हमने ये पाइपिंग लगा ली है, देखिए। अब इसको हम आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब हमें यहाँ इस
तरफ आगे मोड़ते हुए ये पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए हमने इसको पाइपिंग लगा लिया है, ये हमारी देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग हो गई है इसमें चारों तरफ से। अब इसमें थोड़ा इसको हम डेकोरेट के लिए यहाँ एक लैस लगा लेंगे। ये हमने देखो इसमें यहाँ लैस लगा ली है और मैंने यहाँ एक पीछे देखो एक बटन लगाया है। बटन मैंने इसलिए लगाया है कि हम इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ये पर्स की तरह हम इसको फोल्ड करके अब इसको हमें चाहे अलमीरा में इस तरीके से बैग की तरह रखना हो तो हम बैग की तरह भी रख सकते हैं, और हमें इसको अगर हैंग करना है तो हम इसको ओपन करके हैंग भी कर सकते हैं। हम इसको दोनों तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अच्छा लुक आता है पैक किया हुआ, हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं।